उधर हरियाणा के रेवाड़ी में एक व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आपको बता दें कि बदमाशों ने व्यापारी को धमकी भरे दो लेटर फेंककर रंगदारी की मांग की। लंबे समय से रेवाड़ी जिले में आपराधिक वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में रेवाड़ी के एक हार्डवेयर व्यापारी के घर पर जान से मारने की धमकी भरे दो पत्र फेंककर बदमाशों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है, जिसे लेकर व्यापारी और उसका परिवार दहशत के साए में जीने को विवश है। पुलिस ने पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस अभी इस मामले में कैमरे पर कुछ भी बोलने से कतरा रही है। क्या नाम है आपका? श्री भगवान नाम है। श्री भगवान जी, जो आपसे रंगदारी मांगी गई, कितने की रंगदारी मांगी गई, किस प्रकार से मांगी गई? 20 लाख रुपए मांगी गई और अंदर घर के अंदर लेटर डाले, एक 19 तारीख को, एक 22 तारीख को। क्या लिखा था लेटर में? उसमें धमकी दी हुई है बच्चों की मारने की, मारने की धमकी दी है। फिरौती नहीं दोगे तो बच्चे, अच्छा अंजाम बुरा होगा, भोगने के लिए तैयार रहो। ये उसमें कुछ जैसे लिखा नहीं, नीचे लिखा तुम्हारा दुश्मन। अच्छा, और जो तुमने नया मकान बनाया उसमें कबूतर रहेंगे, कबूतर रहेंगे अगर नहीं दिए तो 20 लाख। अच्छा, कुछ बच्चों के बारे में भी उसने? सारा बच्चों के बारे में लिखा है, बच्चों को भी धमकी दी है। बच्चों को ही धमकी है, सारी बच्चों को धमकी दी गई। क्या आपने पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी? बिल्कुल दी है। मामला दर्ज करवा दिया? मामला दर्ज। मगर कुछ भी हो, इतना जरूर है कि जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों पर पुलिस प्रशासन नियंत्रण खोता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आमजन अब अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है। रेवाड़ी से अजय त्रिपाठी की रिपोर्ट।